हमें इस बात को सबसे पहले तो इस एंगल से देखने की जरूरत है कि हमारी सोसाइटी जो है वो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो किस जगह पे पहुंच गई है कि ऐसी दरिंदगी कि एक शख्स 2.5 साल से 8 बच्चियों को अगवा करके रेप करके और बड़ी बेदर्दी से उनका कत्ल करता है, तो ये तो एक बहुत ही तश्वीशनाक सिचुएशन है में दंदनाता और वहीं पे फिर रहे, वहीं रह रहे और उन्हीं सब लोगों में है और मतलब पुलिस को होश नहीं आया, हुकूमत को होश नहीं आया, अवाम को, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को, हमें होश नहीं आया। जिस दिन ये पहला वाकया हुआ और उस दिन ये क्यों वहाँ पे सब कुछ नहीं हुआ और हमने 8 मासूम बच्चियों की इतनी दर्दनाक जो अम्बात है उसको देखा, तो ये सोसाइटी की बेहिसी जो है उसको भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि हम और इतनी चीजों में इतने ज्यादा लगे होते हैं कि शायद बच्चों की तरफ जो है वो सोसाइटी का जो मेरा ख्याल है बहुत ध्यान नहीं है, वो स्टेट लेवल पे भी नहीं है, वो घर के लेवल पे भी नहीं है। और फिर जो एक चीज और मैं अवामिल क्या है जो एक शख्स को मायल करते हैं इस तरह के। अच्छा मैं थोड़ा सा पहले तो एक आपसे जी आपसे थोड़ी सी ये बात करना चाहूंगा कि इस सारे मामले को मैं जिस तरह देखता हूँ, देखें ये तो एक बड़ा एक एक्सट्रीम अयर हुआ जिसमें के चाइल्ड अब्यूज के साथ साथ किडनैपिंग और फिर मर्डर जो है वो भी शामिल हो गया और फिर एक चीज हाईलाइट हुई, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे देखें तो स्टेटिस्टिक्स ये बताते हैं कि हर 5 में से 1 बच्ची चाइल्ड अब्यूज का किसी ना किसी तरह शिकार होती है पाकिस्तान में, और हर 20 में से 1 लड़का चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता है। अच्छा फिर इसको भी अगर हम 2-3 उस पर देखेंगे, एक है चाइल्ड मोलेस्टेशन, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में है, फिर उसके बाद चाइल्ड अब्यूज है और फिर ये एक्सट्रीम फॉर्म है जो हमने जैनब के केस में देखी और फिर उसके ऊपर इतनी बात हुई, लेकिन